आई थिंक वी आर गेटिंग सम ग्रेट रिस्पॉन्स फॉर द ट्रेलर. जैसे आपने कहा, बहुत लोग देख के इसको काफ़ी इम्पैक्ट हुए कि इन्होंने कहीं ना कहीं आई थिंक लोगों के दिल को छुआ और लोगों को लगा ये फिल्म देखनी है. जो मैसेजेस हमें आए वो ये, बहुत लोग तो ट्रेलर देख के आई थिंक कुछ लोग ऐसे भी थे कि यार ट्रेलर देख के बहुत आंसू आ गए हैं आंखों में, तो नाउ वेटिंग फॉर द फिल्म, दैट फिल्म देख के क्या होगा. बिकॉज वो फिल्म आई थिंक वो पावर है फिल्म में, क्योंकि कहानी इतनी स्ट्रांग है, कहानी इतनी पावरफुल है. ह्यूमन हम सब के बारे में है कहानी, कहानी इंसानियत के बारे में कि कैसे कैसे इंसानियत के तौर पे हम सब एक दूसरे के साथ आए थे यू नो कोविड जैसे मुश्किल हालातों में, तो उसके बारे में कहानी है. तो हम तो बहुत खुश हैं जिस तरह का रिस्पॉन्स आया ट्रेलर से. Exactly what Raj said, you know, actually what you said was absolutely correct, that this trailer is about the emotions of millions of people, you know, globally, not just in our country. For us, the response has been so overwhelming because I feel there are so many people that connect with the experience. You know, COVID काल के दौर हम सबको इफेक्ट किया था वो, हम सब सफ़र हुए थे, बस उसकी डिग्री अलग थी. इसलिए भीड़ में इन अनेकों किरदारों की जर्नी के थ्रू हम दिखाना चाहते हैं कि अलग अलग लोग जो अलग अलग सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से है, जब एक इनविजिबल वायरस जब इतना तहलका मचा देता है, तब लोगों के ऊपर इसका क्या इफेक्ट होता है. और यू नो व्हेन पीपल आर पुश्ड टू द डीपेस्ट साइड ऑफ द कॉर्नर एंड दे कम टुगेदर इन यूनिटी, व्हाट हैपेंस. सो भीड़ इज एक्चुअली द स्टोरी ऑफ ह्यूमन स्पिरिट, इट इज़ द स्टोरी ऑफ रिजिलियंस ऑफ मैनी मैनी पीपल ड्यूरिंग दोस टाइम्स. So I think उसका श्रेय पूरा जाएगा अनुभव सर को, because the kind of research he has done about the film for, and he loves investing time on writing, which is the most important aspect of filmmaking. He spends months and months in writing. So I think once we got the script, it was everything was very much there. So not like we had to really add anything or take out anything from the script. It was very much there, and we all had been through these emotions. So and we were very fresh in our minds as well. So it wasn't like it was a very unfamiliar territory for us. So I think we were just being very truthful to the written material because it was so great in itself. जी, मेरे किरदार का नाम है सूर्य कुमार सिंह. वो एक पुलिस ऑफिसर है और ईमानदार पुलिस ऑफिसर है. वो चाहता है कि प्रूव करना चाहता है अपने सीनियर्स को भी कि मैं यू नो आई एम केपेबल ऑफ डूइंग थिंग्स, पर कैसे परिस्थितियाँ उसको इस मोड पे ले आके खड़ा कर देती हैं जहाँ पे उसको अभी ऐसी अनएक्सपेक्टेड हालात में वो पहुँच गया है जहाँ पे उसको पता नहीं था कि इतना कुछ हो सकता है. लाइक ऑल ऑफ अस, हमें नहीं पता था कि कोविड के बाद कि कोविड के दौरान ये कुछ हो जाए, इतना कुछ हो जाएगा यू नो ग्लोबली हम सब के साथ. तो उसी की चलते सूर्य कुमार सिंह उस सिचुएशन में है, फिर वहाँ से वो क्या करेगा, क्या निकल पाएगा नहीं निकल पाएगा, दैट्स सूर्य कुमार सिंह. जी, मेरा माय कैरेक्टर इज ऑफ अ जूनियर डॉक्टर. यू नो आई कांट रियली से अ लॉट बिकॉज आई फील लाइक अ लॉट ऑफ पॉइंट्स ऑफ द फिल्म वुड बी रिवील्ड, बट शी इज़ अ फायर क्रैकर. यू नो बहुत ही दबंग लड़की है, बहुत ही गट्सी लड़की है, एंड फॉर वट एवर रीजन शी इज़ ऑल्सो रीच दिस पर्टिकुलर पॉइंट, एंड देन यू विल सी द रेस्ट ऑफ द फिल्म. And also ये दोनों साथ में भी of course किसी दैट तो आई थिंक बहुत ही दिलदार इंसान है वो. एक जीनियस फिल्म मेकर तो है ही, हम सब उनके फैन हैं उनके काम के. पर हम उनके अंदर हमें एक दोस्त मिला, क्योंकि वो इतने भूमि कल बोल रही थी कि बहुत कूल हैं वो, कि मतलब वो ऐसा नहीं कि वो अपने आप को वो इतनी इंटेंस फिल्में बनाते हैं, इतना जो सोशल ड्रामास बनाते हैं तो वो खुद भी हमेशा सिर्फ इंटेंस बातें करते हैं, ऐसा नहीं है. उनका सेंस ऑफ ह्यूमर है, बहुत कमाल का सेंस ऑफ ह्यूमर है, बहुत कूल है, और हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं. अभी हम उनसे बैठ के दुनिया भर की बातें कर सकते हैं यहाँ वहाँ की. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक वर्किंग रिलेशनशिप है उनके साथ हमारा, अभी एक इस फिल्म के दौरान और फिल्म के बाद अभी तक वो रिश्ता है और आगे भी रहेगा कि वो वर्किंग रिलेशनशिप एक दोस्ती में तब्दील हो गया है. बट
आपने कई रियल पुलिस में या फिर डॉक्टर से जाके बात की ड्यूरिंग द शूट, उनसे पता करने की कोशिश की एक्चुअल में उस टाइम क्या हुआ था? नहीं, क्योंकि कहानी जो है हमारी वो एक फिक्शनल जगह पर बेस्ड है, हमने कुछ नाम नहीं दिया है, एक फिक्शनल दुनिया हमने क्रिएट की है। तो उसमें जो ही जैसे मैंने पहले कहा आपको कि वो कहानी लिखी इतनी कमाल तरीके से गई थी ना, सब कुछ उस स्क्रिप्ट के कहानी के अंदर ही था, सब कुछ, एवरी डिटेलिंग वॉज इन द स्क्रिप्ट अबाउट द कैरेक्टर, अबाउट द अदर कैरेक्टर्स, द स्टोरी, वाई इट्स हैपनिंग, वेयर इट्स हैपनिंग, हाउ इट्स हैपनिंग। तो उसके लिए इतना रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो सर के साथ ही बहुत डिस्कशन हमारा होता था, क्योंकि सर ने लिखी है, सर के दिमाग से ये सारे कैरेक्टर्स निकल के आए हैं, तो उनके साथ ही डिस्कशन होता था। और सर ऐसे निर्देशक है ना कि वो आपको स्पेस देते हैं, वो आपको फ्रीडम देते हैं कि आप एक्सप्लोर करो चीज़ों को। ऑफकोर्स अगर आप गलत जा रहे हैं तो वो आपको रोकते हैं, आपको सही दिशा में लेके आते हैं, पर ये उनकी एक अच्छी बात है कि वो ट्रस्ट करते हैं आप पर एज एन एक्टर बहुत। आई थिंक यू नो, जहाँ पे रिसर्च की बात हुई, वो पूरा जो एक सवा साल था, हम हर कितने हमने इंटरव्यूज देखे टीवी पे, हमेशा यही हमें पता था व्हाट इज हैपनिंग विद ऑल द फ्रंट लाइन वर्कर्स, यू नो, इट वाज हार्ट ब्रेकिंग, यू नो, इन फैक्ट लुक एट दैट करेज, राइट, वो अपनी फैमिलीज को छोड़ के अपने विदाउट थिंकिंग अबाउट देमसेल्व्स एंड देयर हेल्थ दे वर डूइंग देयर ड्यूटी, you know, so there were stories that we'd read, there was information that we had, there were actually people in our friends and families that were going to hospitals, that were going on duty every day, and we know how they were working, they were literally working for 24-25 hours, you know, unke literally aisa point hota tha jahan pe unke haath gal jate the, you know, mask pehen ke, gloves pehen ke, hum to normal agar hame kuch ghanton ke liye हम मास्क पहनते थे जब जाते थे, तब हमें इतनी तकलीफ होती थी, अब उनका सोचिए जिनको 24 घंटे मास्क पीपी किट में, गर्मी में, ठंड में, इट वाज अ वेरी वेरी टफ टाइम फॉर आवर फ्रंटलाइन वर्कर्स, फॉर ऑल एजेंसीज दैट वर वर्किंग ड्यूरिंग द कोविड टाइम्स। सो आई थिंक ये हमारे लिए इट्स अ ग्रेट टाइम फॉर अस टू ऑल्सो, यू नो, रिमेंबर ऑल द सैक्रिफाइस दैट पीपल मेड ड्यूरिंग दैट टाइम। हमने एक्चुअली कोविड के टाइम पे शूट किया था फिल्म, ऑफकोर्स बहुत सारी कंडीशंस थी जो हम फॉलो कर रहे थे, जो गाइडलाइंस दिए गए थे सरकार की तरफ से कि ये आप कर सकते हैं नहीं कर सकते, वो सबको अच्छे से फॉलो किया जा रहा था, क्योंकि एक डर तो था ही हम सबके दिल में भी कि ऐसा ना हो कि कोई एक केस निकल जाए हमारे इसमें भी। तो हम सब लोग रेगुलर लेवल पे टेस्टिंग चल रही थी, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किए हुए थे, एक्शन कट के बीच में ही हम लोग मास्क निकाल कर शूटिंग करते थे, और फिल्म में भी कई जगह तो मास्क एक्चुअली पहना ही है बहुत लोगों ने, ये तो पूरी फिल्म में बोलती रहती है लोगों को, जैसे हम बहुत सारे डॉक्टर्स बार बार आके बोल रहे थे कि मास्क पहनिए, मास्क पहनिए, तो ये भी पूरी फिल्म में बहुत बार बोलती रहती है लोगों के, आपका मास्क है, आप मास्क पहनिए। आई थिंक यही मुश्किलों का सामना, आई वुड से कि हाँ दैट वे टफ था, आई थिंक कोविड काल में शूट करना इजी नहीं है, क्योंकि बहुत नया था सबके लिए, इससे पहले हमने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया नहीं था, पर आई थिंक वी मैनेज्ड प्रीटी वेल। जी बिल्कुल, एवरीथिंग दैट राज वाज सेइंग, क्योंकि उस समय आई फील मेंटली भी आप इतने डरे हुए रहते हैं, राइट, कोई अगर छींक लिया, खांस लिया, आप घबरा जाते हैं, स्पेशली यू नो हमारी फिल्म में इतनी बड़ी फीचर्ड कास्ट थी, यू नो, तो उनके टेस्ट हमेशा कराना, तो आई फील जस्ट जो लोकल प्रोडक्शन थी, जो फिल्म की प्रोडक्शन थी, दे वर्क रियली हार्ड टू मेक श्योर कि यू नो अगर एक तो कोई बीमार ना पड़े, और कोई बीमार पड़े वो बीमारी हमारी यूनिट में ना फैले, बट लकली देर वॉज नो बडी फेल सिक, बहुत ही स्मूथली हमने फिल्म शूट करी, एंड या इनफैक्ट जब मुझे पहली बार कोविड हुआ था मैं फिल्म सेट पर ही थी, यू नो, सो कभी कभी इट्स आउट ऑफ कंट्रोल, बट लकली जब हम भीड़ शूट कर रहे थे, खुले में शूट कर रहे थे हम, सो इट ऑल वेंट वेल। आई थिंक अनुभव सर के सेट पे एक चीज़ अच्छी होती है कि एक तो खाने के सर खुद बहुत शौकीन है, खुद बहुत अच्छा खाना बनाते भी हैं, तो उसकी हमेशा एक कमी नहीं रहती है, कभी नहीं आपको, हम लोग 6-7 घंटे शूट करते थे दिन में, क्योंकि सर्दियों में शूट कर रहे थे तो लाइट जल्दी चली जाती है, कभी कभी क्लाउड्स आ जाते थे तो पैकअप करना पड़ता था, लेकिन सेट पे रहते थे सब लोग, तो वहीं पे सर जो है फिर खाना मंगाते थे अलग अलग जगहों से, अच्छा अच्छा खाना मंगाते थे, तो हम सब आई थिंक एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हुई थी हम सब की सेट पर, और पंकज जी जो हम सबसे सीनियर हैं और वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स,
दैट वी हैव इन आवर कंट्री, उनके साथ यू नो बैठकर बातें करना, उनके एक्सपीरियंस जानना और उनकी अलग अलग फिल्मों के उनसे हम क्वेश्चन करते थे, ये आपने सर वो कैसे, वो फिल्म का सर वो कैसे था, और वो इतने दिलदार सब कुछ अच्छे से बताते थे हमको, तो उनसे बहुत सीखने को मिला इस सेट पर. आदित्य श्रीवास्तव, आशु सर, दिया, कृतिका, वीरेंद्र सर, आई थिंक बहुत स्ट्रॉन्ग कास्ट ऑफ इसमें एक्टर्स थे जिनके साथ सबके साथ कुछ ना कुछ आई थिंक हमको हम लेके ही गए वापस इस फिल्म के बाद. जी यू नो राज जो कह रहा है अनुभव सर के बारे में इज सो ऑन पॉइंट, क्योंकि अनुभव सर ना एक बहुत ही इजी और गिविंग डायरेक्टर पर्सन है. तो मतलब लिटरली उनका सेट इतना डेमोक्रेटिक होता है जहाँ पे उन्होंने ना एक एक कहते हैं ना जब शादी का माहौल लिटरली ऐसे लगता है, बिकॉज हम इतने एक्टर्स थे लेकिन हमें से कोई भी हमारा काम ख़त्म होने के बाद घर नहीं जाता था. यू नो अगर सपोजिंग हमारा 1 बजे काम ख़त्म हो गया लेकिन शूट 4 बजे तक है, मेरा एक भी शॉट में तब भी रुकती थी क्योंकि मुझे बस इतने अमेजिंग लोगों के बीच में रह के उनके एक्सपीरियंसेस उनसे सुनना, यू नो ये सब इतने बहुत कम मौके मिलते हैं एज एन एक्टर कि आप एक प्लेटफॉर्म शेयर कर सके इस लेवल के टैलेंट के साथ. यू नो तो आप समझ सकते हैं कि जब हम सब साथ बैठ के चाय या कॉफ़ी या नाश्ता करते थे क्या 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 कहानियाँ हमें सुनने को मिलती थी. तो मेरे लिए एक बहुत ही ज़्यादा लर्निंग एक्सपीरियंस था. हम लोग वॉकेथॉन के लिए जा रहे हैं वहाँ पर, और कलकत्ता मुझे बहुत ही पसंद है. कोलकाता मुझे शहर एज अ सिटी, आई लव बीइंग इन कोलकाता. वहाँ का खाना, ऑफ कोर्स पत्रलेखा खुद बंगाली हैं, शिलोंग से हैं हालांकि, पर तो मुझे तो वहाँ पे अभी जब मैं जाता हूँ हमेशा तो कोलकाता जवाई बोलते हैं. आई नो इतना आई फील सो लाइक टच्ड. मुझे बहुत ही इट्स ब्यूटीफुल. आई थिंक द वे यू नो पीपल गिव यू सो मच ऑफ लव इन कोलकाता. वेल आई थिंक फॉर स्टार्टर्स द फूड, यू नो मुझे पुचका खाना है क्योंकि मेरे को जानना है कि पानी पूरी से कितना डिफरेंट है. यू नो मेरे सारे फ्रेंड जो कलकत्ता से कोलकाता से है वो हमेशा ये बोलते हैं कि नहीं पुचका बेटर है, तो मुझे देखना है कितना बेटर है. बट आई फील द पीपल बी माय फर्स्ट टाइम देयर, सो आई एम क्वाइट एक्साइटेड. एक आखिरी सवाल, नेवर बीन टू कोलकाता? नेवर. क्या बात कर रहे हो? नेवर. एक आखिरी सवाल, लास्ट की हाल ही में बहुत बड़े चमत्कार हुई नाटू नाटू सॉन्ग ऑस्कर जीती, उसके बारे में आप लोग क्या कहेंगे? बहुत खुशी की बात है. नाटू नाटू और एलिफेंट व्हिस्परर्स अब हमारी कंट्री को दो दो ऑस्कर्स मिले हैं, और हम लोग बचपन से देख रहे हैं. ऑफकोर्स एक एनुअल रूटीन है कि सुबह 5:30 बजे उठकर जब भी डेट होती है बैठ के ऑस्कर देखने लग जाते हैं, और बहुत इंस्पायरिंग लगता है बिकॉज इतनी अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस, इतनी अच्छी अच्छी फिल्म्स, और ऐसे बड़े स्टेज पर हमारे देश ने 2 ऑस्कर जीते हैं. तो आई थिंक सिर्फ बधाइयाँ और बहुत सारा गर्व है RRR और एलिफेंट विस्पर के लिए. थैंक यू.